नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र देने की सिफारिश की है। वीर चक्र युद्धकाल का तीसरा सबसे बड़ा बहादुरी का सैन्य सम्मान है। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 विमान को मार गिराया था। 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF काफिले पर आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को अपने लड़ाकू विमानों को जम्मू कश्मीर में भारत की सीमा में भेजा था। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने उन्हें खदेड़ दिया था। डॉग फाइट में MiG-21 लड़ाकू विमान में सवार विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया। इसी दौरान उनका विमान भी क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जा गिरे। हालांकि भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने 2 दिन बाद ही उन्हें रिहा कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा वजहों से विंग कमांडर अभिनंदन का जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर कर दिया गया है। वो श्रीनगर में एयरबेस पर तैनात थे। उन्हें पश्चिमी सेक्टर के महत्वपूर्ण एयरबेस पर तैनात किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 23 मई को यूपी में बुआ बबुआ की फर्जी दोस्ती टूट जाएगी। एटा की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ निजी स्वार्थ की वजह से महामिलावटी दल एक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और BSP में दुश्मनी का अगला अध्याय शुरू होने वाला है। 23 मई दिन गुरुवार ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी। ये बुआ बबुआ जी अपनी दुश्मनी का पार्ट 2 शुरू कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अखिलेश सरकार में दलितों पर अत्याचार हुए और मायावती दलितों का घर बार छीनने वाले का समर्थन कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महामिलावटी दल देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। अरे दोनों मिलकर के भी आतंकवाद से जवाब ले सकते हैं क्या? ये कांग्रेस और उसके महामिलावट वाले भी कर सकते हैं क्या? मायावती ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को BJP और RSS को मुंहतोड़ जवाब देने वाला नेता कहा। रामपुर की रैली में मायावती ने आजम खान के लिए जनता से वोट देने की अपील की। जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टी BJP एवं RSS को हमेशा मुंहतोड़ जवाब देने वाले मोहम्मद आजम खान यहां अपनी ऐतिहासिक जीत जरूर दर्ज कराने वाले हैं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान ने विवादित बयान देकर मुस्लिम कार्ड चला। तुम्हें कोई कुछ कहे, तुम्हें पिल्ला कहे, देशद्रोही कहे, गद्दार कहे, मुल्क का दुश्मन कहे, लेकिन तुम्हारे बगैर हिंदुस्तान का नक्शा मुकम्मल नहीं होता। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया, कहा कि गठबंधन महामिलावटी नहीं महापरिवर्तन लाने वाला है। लोग हमें और आपको कहते हैं हम महामिलावट हैं, लेकिन वो ये जान लें, जनता की आवाज सुन लें, ये महामिलावट की आवाज नहीं है, इस बार देश में महापरिवर्तन आने वाला है। रामपुर में आजम खान के खिलाफ BJP ने जया पर्दा को उम्मीदवार बनाया है। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा। रामपुर सीट भी इनमें से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने शहीदों का अपमान किया है। बिहार के फारबिसगंज में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने बटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की मौत पर कांग्रेस के नेता आंसू बहा रहे थे। क्या वो उस इंस्पेक्टर का अपमान नहीं था जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे? हमारे वीरों ने आतंक के एक मॉड्यूल को खत्म किया था, लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई से खुश होने के बजाय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की आंख में आंसू आ गए थे। क्या ये उस शहीद का अपमान नहीं था जिसने बटला हाउस में आतंकियों को घर में घुस करके मारा था? पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मुंबई हमले के बाद आतंक को हिंदुओं से जोड़ा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में रैली कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है उसने स्पीड ब्रेकर दीदी की
नींद पर भी ब्रेक लगा दिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने मालदा जिले के एसपी अर्णब घोष का तबादला कर दिया है। बीजेपी ने एसपी पर टीएमसी के निर्देश पर काम करने का आरोप लगाया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 2019 के चुनावों में वंशवाद कांग्रेस के लिए एक बोझ साबित होगा। जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है, क्या इतिहास पूरी तरह से कुछ अभूतपूर्व दिखने जा रहा है? क्या हम जाति आधारित और वंशवादी पार्टियों के खारिज किए जाने का गवाह बनने जा रहे हैं? सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल बढ़ने से लोग अब वंशवाद को स्वीकार नहीं करेंगे। तानाशाही मानसिकता से ही वंशवाद जीवित रहता है। वंशवादी दलों में लोगों को राजनीतिक दास्ता स्वीकार करनी होती है। बीजेपी जैसी योग्यता आधारित पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री दिए, जो वंशवाद वाली पार्टी में संभव नहीं है। जेटली ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्याय स्कीम के ऐलान का जनता पर कोई असर नहीं पड़ा है। कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों का सिर्फ मोदी हटाओ ही एजेंडा है। भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा को जिला निर्वाचन अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साध्वी ने 26/11 हमले में शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे पर विवादित बयान दिया था। जिला निर्वाचन अधिकारी और भोपाल के कलेक्टर पी सुदाम खाड़े ने बयान को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए साध्वी से रविवार तक जवाब मांगा है। कलेक्टर ने आज उस कार्यक्रम के आयोजक और सुश्री प्रज्ञा ठाकुर दोनों को उन्होंने नोटिस जारी किया है, तो उसका जवाब आने के बाद इस पर आगे कार्रवाई। जीनियों से बातचीत में प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला साधते हुए कहा कि भगवा आतंकवाद का जो भ्रम फैलाया गया था वो उसका जीता जागता सबूत है। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, संघीय आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियां, ये सब मैं उनके कुकर्मों की प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। बीजेपी का आरोप है कि भोपाल जिला प्रशासन ने साध्वी प्रज्ञा को शनिवार को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक में रोड शो किया। शिमोगा में उन्होंने जनता से पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। शाह ने भद्रावती से पार्टी उम्मीदवार बीवाई राघवेंद्र के लिए भी वोट मांगे। बीवाई राघवेंद्र कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी दक्षिण के दौरे पर थीं। उन्होंने केरल के वायनाड में रैली की। वायनाड में मोदी सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। They believe in suppressing your voice. They believe in taking your power, sourcing it all within themselves, becoming more powerful and disempowering you. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं। अमेठी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन की जांच 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। अमेठी से ही एक निर्दलीय उम्मीदवार ने राहुल गांधी की नागरिकता और शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए थे। निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। किन परिस्थितियों में वो ब्रिटिश सिटीजन है और वो कैसे आज इंडियन सिटीजन, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में बहुत सारी गलतियां हैं। ये भी कहा रिटर्निंग ऑफिसर साहब से कि आप इस पे समुचित क्लैरिफिकेशन मांगिए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के संविधान के साथ धोखा किया है। क्या आपने भारत की नागरिकता को स्वीकार करके क्या भारत के संविधान के साथ, भारत के साथ क्या आपने धोखा दिया है? क्या आपने झूठ बोलकर चुनाव लड़े हैं? फिल्म एक्टर सनी देओल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सनी देओल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात पुणे एयरपोर्ट के लाउंज में हुई। मुलाकात के दौरान क्या बात हुई इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बीजेपी सनी देओल को पंजाब से लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र 2004 में बीजेपी के टिकट पर बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीते थे। हेमा मालिनी भी मथुरा से मौजूदा बीजेपी सांसद हैं और दोबारा मथुरा से ही चुनाव लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए। एनकाउंटर बारामूला में हुआ। बारामूला में सुरक्षा बलों की टुकड़ी पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान आतंकवादियों ने घात लगाकर पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि बारामूला में आतंकवादी किसी बड़े हमले की फिराक में थे। इससे पहले 13 अप्रैल को शोपियन में सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया था।